एक और भी खबर है, उस पर भी आपसे अपडेट्स चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इख्तियारात दिए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास लड़ाई झगड़ा करने वालों को जेल भेजने का भी इख्तियार होगा। इशफाक, इस पर भी अपडेट्स कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पंजाब के 20 हलकों में जिमनी इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस तमाम सूरत हाल पर साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए हैं। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं और ये इख्तियारात 3 दिन तक मजिस्ट्रेट के पास होंगे, मुतलका प्रिजाइडिंग अफसरान के पास होंगे। इसके साथ साथ जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो लड़ाई झगड़ा करने वालों को फौरी तौर पर उनको जेल भेजने का इख्तियारात होंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात 18 जुलाई तक दिए गए हैं ताकि मौके पर अगर कोई दंगा फसाद कर रहे हैं और तमाम जो पोलिंग है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरान एक्शन लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का उनके पास इख्तियार होगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका।